हेलो गाइस और गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 5:30 या 6 बज रहे होंगे, मैंने ध्यान से देखा नहीं। और हम जा रहे हैं कोयले के ग्राउंड, ये देख ले कितने एक्साइटेड हैं जाने के लिए। हाँ चलो चलो, ये या किसी से धक्का ही मार देती है। चलिए देख आज ग्राउंड के चलते हैं। आतंक फैलाना स्टार्ट। चलो चलो चलो, चलो। चलो काफ़ी टाइम बाद हम इतनी सुबह को जा रहे हैं ग्राउंड। कोरोना की वजह से हम लोग जल्दी निकलते नहीं हैं, बट अभी जा रहे हैं। ये देखिए कितनी खुश है। यहाँ डॉगी लोग टॉयलेट करते हैं, तो ये सूंघती है जब भी आते हैं यहाँ पे। ये समझ लीजिए डॉगी का टॉयलेट पॉइंट है, सारे डॉगीज का जितने स्ट्रीट डॉग हैं। और ये यहाँ टॉयलेट की, इसे जोर की लगी रहती है हमेशा, और ऐसे ही वो रास्ते पे कर देती है टॉयलेट। बट ये अच्छा है कि पॉटी हमेशा करती है बाहर में ग्राउंड जाके, तो ये ग्राउंड में ही करेगी पॉटी वगैरह, साइड में कभी करती नहीं है। और ये काफ़ी एक्साइटेड है, काफ़ी दिन बाद आई है। कोको उधर क्या इसमें ले, उधर नहीं, चलो इसे दौड़ाते हैं हम लोग। क्या कोको रन, उधर नहीं उधर नहीं। ले ये सुबह सुबह काफी एक्साइटेड रहती है, दौड़ के किसी को भी दौड़ाने लगती है। ये काफी बदमाश है, सुबह होता नहीं है खेलना स्टार्ट। नहीं कोको, जिस टाइम पे ये एक्साइटेड रहती है उस टाइम पे किसी को भी जाके दौड़ाती है। ये कुछ ना कुछ इसमें लेती रहती है हमेशा। ये देखिए ऐसा वो तभी करती है, काफ़ी टाइम बाद वो ग्राउंड आती है तभी ऐसा खेलती कूदती है। और ये काफ़ी टाइम बाद आई है तो थोड़ा थोड़ा अपने आप को एंटरटेन कर रही है काफ़ी टाइम बाद आने के बाद। बट ये जब भी आती है नॉर्मल टाइम पे, जब इसे ग्राउंड लेके आते हैं तो इतना दौड़ती नहीं है, वो नॉर्मली आती है। बट काफ़ी टाइम बाद लाते हैं तो इस तरह करती है वो। और ये शायद ये भी टॉयलेट पॉइंट होगा स्ट्रीट डॉग्स का, इसमें लेती है वहाँ पे। और एक यहाँ पे स्टेज है ये, और ये है हमारा ग्राउंड जो कि एकदम नज़दीक है DVC स्टेशन पावर प्लांट है यहाँ पे उसके सामने। और इधर पे आपका रेलवे ट्रैक है, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये जो पेड़ है, ये पेड़ दिख रहा है उसके बगल में रेलवे ट्रैक है। ये देखिए, ओए छोड़ दो उसको इधर, ये अपना ग्राउंड है। और काफ़ी मेरे वीडियोस में शायद ये पावर प्लांट आया होगा या फोटोज़ पे आया होगा। अगर आप हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ पर ये सीन आपको काफ़ी टाइम मिला होगा, क्योंकि नॉर्मली हम ग्राउंड अपने गाँव से यहाँ पर ही आते हैं ये ग्राउंड पर, तो यहाँ पे ज़्यादा फ़ोटो मिलता है। और ये देखिए, और इधर से हम चले जाएंगे, इधर नदी का रास्ता है, इधर से हम जा सकते हैं नदी। और इधर ये रहा हमारा गांव, अपना प्यारा गांव, काफ़ी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ के साथ है, तो ये काफ़ी खुश है। और इधर जितने लोग हैं ये मास्क पहने हैं, ये है KP, ये भी मास्क पे है और मैं भी मास्क में हूँ। ये देखिए अगर दिख रहा होगा तो, नहीं दिख रहा वाला पता नहीं, कोरोना कारण थोड़ा सा मास्क उठना पड़ गया। मैं इसका हर एक डिवॉर्मिंग का और रेबीज का जो भी इसको मिलता है टैबलेट वगैरह जो आपका टाइम टू टाइम देना पड़ता है लाइक डिवॉर्मिंग और रेबीज का, ये दो हम रेगुलर नोट कर रखते हैं डायरी पेज के ताकि हमें याद रहे ये कि कब करें नेक्स्ट। इसका जो रेबीज का इंजेक्शन है वो जुलाई के टाइम पर लास्ट टाइम लगा था, तो हम इसे जून के टाइम में लेके जाएंगे और इसे रेबीज का इंजेक्शन लगवाएंगे। और डिवॉर्मिंग का मुझे देखना पड़ेगा, याद नहीं है डिवॉर्मिंग का आ ही गया होगा टाइम,
मसाज का एक वीडियो मैंने अपलोड किया था लास्ट टाइम, इसके पहले वीडियो पे, तो वो भी चाहे तो आप मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो उसे भी आप देख सकते हैं किस तरह से मसाज लेती है कोको उधर नहीं, किस तरह से मसाज लेती है, काफ़ी आनंद से लेती है और काफ़ी, आप देखिए वो वीडियो आपको पता चलता है क्या मज़े से ये मसाज कराती है सोनू से। और यहाँ पे देखिए काफ़ी रेलवे ट्रैक का जो ये जो सीमेंट का बना हुआ था वो ट्रैक का बीच में जो रहता है वो यहाँ पे रखा हुआ है, ये सब पूरा काफ़ी रखा हुआ है काफ़ी टाइम से यहाँ पे है। एक्चुअली यहाँ पे जो नया ट्रैक जो बनेगा वहाँ पे, चलिए मैं आगे दिखाता हूँ कहाँ पे पुल बनेगा ट्रैक बनेगा। कोको उधर नहीं जाना है, ये देखिए काफ़ी ट्रैक वगैरह है। अच्छा इधर आ जा कोको, उधर नहीं इधर आ जाओ, कहाँ जाते हैं सबको मिल लेने के लिए। ये देखिए ये जो पुल दिख रहा है आपको, एक्चुअली ये रेलवे ट्रैक है, उसके बगल में एक और पुल दिख रहा है शायद आपको दिख रहा होगा, तो मैं जूम कर दूँ थोड़ा सा, देखिए यहाँ बन रहा है यहाँ पे और यहाँ पे बन रहा है, उसके बाद जब वो जाएगा उधर उस साइड पे इधर पे तो शायद वहाँ पे ये सारे जो भी ये सब है ये वहाँ लगने वाले हैं, तो उसके बाद यहाँ रखा हुआ है और आगे इधर में पुल मिल जाएगा आपको, क्योंकि ये जो प्लांट देख रहे हैं उसका ये रास्ता, इधर से आप प्लांट जाके देख सकते हैं इधर रास्ता है उसका, और वापस घर चलते हैं इस रूट से नदी होते हुए, चलो ओके इधर से, और ये खेलते कूद जाएगी, बस हमें इसे बचाना पड़ता है वो 40 वगैरह से, इससे प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम आता है। उधर नहीं, ओए उधर नहीं जाना है, इधर आ जाओ, शायद इसका मूड अभी काफ़ी अच्छा तो हर बात मान रही है, बट जब नहीं होता है तो हमारी बात मानती नहीं। देखिए ट्रेन भी जा रही है, यात्रा ट्रैक ट्रैक वो ट्रेन देखने मिल गया, और ये अपनी कोको बदमाशी कर सकते, पकड़ो कोको उधर नहीं उधर नहीं, ओए गिर जाएगी उधर से, केपी को पकड़ना है, केपी को पकड़ो, 1 2 3 अटैक, खेलो केपी को, नहीं वो केपी के साथ बहुत ज़्यादा खेलती है, इसे इसका पूरा नाम है कपिल कुमार प्रजापति, हम इसे प्यार से केपी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो केपी और ये काफ़ी खेलती है ये दोनों बिछड़े डॉग, मछली मिलता है क्या यहाँ पे, बहुत बड़ा बड़ा मछली है। अच्छा चलिए देखते हैं, केपी बोल रहा है कि यहाँ मछली काफ़ी बड़ा बड़ा मिलता है, तो आते हैं कहाँ से, कहां से? अच्छा वो पुल से क्या, चलो बात बहुत बड़ा मछली है यहाँ पे, कपिल बोल रहा है काफ़ी बड़ा बड़ा मछली यहाँ पे, आप एक साइड है ना देखिए चलिए शायद, तो यहाँ पे कभी अगर मछली वगैरह लोग पकड़ते होंगे तो मैं कभी वीडियो बनाऊँगा तो मैं अपलोड करूँगा, या फिर नॉर्मली कपिल आता है उन लोगों के साथ क्योंकि उसके फ्रेंड लोग आते हैं पकड़ने कभी कभी न कहीं कभी, तो वो बना के फिर से अपलोड कर देंगे। ये रहा काफ़ी पूल है, ये मुझे लेते रहती है, तो चलिए दोस्तों मैं एक्चुअली काफ़ी लंबा वीडियो ये हो चुका है तो मैं वीडियो कहीं पे स्टॉप करता हूँ, नहीं तो ये काफ़ी लंबा चला जाएगा क्योंकि हमारा जो घर, कोको उधर नहीं इधर आ जाओ, जो हमारा घर है वो आपका उस साइड पे है, तो उधर जाने में और 10 मिनट लगेंगे, तो मैं वीडियो को कहीं भी स्टॉप करता हूँ, कोको इधर आ जाओ, और मैं वीडियो यहीं बंद करता हूँ, आप लोग सेफ रहें इस टाइम पे, और चलिए बाय बाय।